दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन केमिकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम RRB NTPC के जो 5 और 7 जनवरी की परीक्षाएं हुई हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 और 7 जनवरी की परीक्षा को जो एग्ज़ाम हुए हैं, RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, उसको हम उसके क्वेश्चंस पेपर पर आए हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे वाली आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी सहायता करेगी, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपके। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो भी 7 तारीख कल आपके एग्ज़ाम में RRB NTPC में पूछा गया था। आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य सुरक्षा पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो खाद्य सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है एक मृदा वैज्ञानिक है, रतन लाल एक मृदा वैज्ञानिक हैं, इन्हें वर्ल्ड फूड पुरस्कार दिया गया, वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया 2020 का। ये एक मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल, इन्हें क्या दिया गया है? खाद्य सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। क्लियर होती है बात? चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया था कि लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल, ये किसके बीच की इकाई है? लाइकेन कवक और शैवाल होती है। और इसका यूज क्या होता है? इसकी वायु प्रदूषण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसको उस जगह पर लाइकेन का यूज करते हैं, लाइकेन को लगाते हैं, लाइकेन के पौधे का लगाया जाता है, वायु प्रदूषण को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि लाइकेन का यूज होता है। क्लियर होती है बात? तो ये सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले 7 जनवरी को पूछा गया है, जो RRB NTPC के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज 2020 किसे दिया गया है, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है मारिके लुकास को, है ना? मारिके लुकास को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। और इनकी एक रचना है, कृति है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मारिके लुकास को क्या दिया गया है? मैन बुकर प्राइज दिया गया है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओडिशा की नदी क्या है? ओडिशा की एक नदी है महानदी, है ना? ओडिशा की जो नदी है महानदी है, और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध इसी महानदी पर है, है ना? हीराकुंड डैम बनाया गया है। और भी पूछा जा सकता है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, क्लियर है ना? और कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं कुछ बांध के बारे में, और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पूछा गया क्वेश्चन है जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित जो बांध है इरावती नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इरावती म्यांमार की नदी है, है ना? और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लघु संविधान क्या है? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। क्लियर है ना? और ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था, 1976 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 क्या है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत को बताता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A क्या है? अनुच्छेद 21A क्या है? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। 21A क्या है? 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है ना? जो आर्टिकल 21A है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है सभी बच्चों के लिए, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। और पूछा जा सकता है शिक्षा का अधिकार क्या है, तो 2002 में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन ओपन 2020 को किसने जीता है? तो अमेरिकन ओपन जो 2020 जीते हैं, एक वो है नाओमी ओसाका और डोमिनिक थीम, इन दोनों ने मिलकर के आज अमेरिकन ओपन 2020 को जीता है, डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका ने।
है ना, अमेरिकन ओपन को नाओमी ओसाका और डोमिनिक थीम ने मिलकर जीता है अमेरिकन ओपन 2020 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 25 क्या है, अनुच्छेद 25 क्या है, इसके बारे में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। कई बार पूछे गए प्रश्न हैं कि आर्टिकल 25 क्या है, तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में यहाँ बात की गई है। क्लियर होती है बात। और आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 28 से 30 में क्या होता है, तो शिक्षा और अनुच्छेद हम बात करें 28 की, तो इसमें क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 28 के अंतर्गत है। क्लियर है भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, यह कुछ क्वेश्चंस पूछे गए प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे ही हम एग्जाम एनालिसिस टॉपिक वाइज एग्जाम एनालिसिस हम लेकर आते रहेंगे, जो पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके आरआरबी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया, चलिए और आगे हम बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।